हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है इसका ट्यूटोरियल देखा था। अब इस प्रोजेक्ट को जो मैं pythonanywhere.com पे जो उसको उसके ऊपर डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन रन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। किसी भी पाइथन या जेंगो में बने हुए प्रोजेक्ट को हम ऑनलाइन कैसे रन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये pythonanywhere.com है। एक बार मैंने आप लोगों को AWS कंसोल पे रन करके दिखाया था उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन, और इस बार जो है इस प्रोजेक्ट को मैं pythonanywhere.com पे डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं डिप्लॉय pythonanywhere.com पे। तो उसके लिए क्या है कि फ्रेंड, पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कहीं ऑनलाइन मतलब जो है वहाँ पर अपलोड होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि GitHub है, ये आप लोग जो है गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं अपलोड के लिए। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट को पहले GitHub पे अपलोड करके दिखाता हूँ और फिर वहाँ से pythonanywhere.com पे कैसे सर्व करते हैं वो करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा इजी है। ओके, तो यहाँ पे न्यू टैब मैं ऑन करता हूँ और गूगल ऑन कर लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ GitHub। ओके, GitHub सर्च करके और GitHub के वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे GitHub के वेबसाइट पे हम लोग आ गए और यहाँ पे जो हम लोग साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। तो मैं एकदम न्यू आईडी से साइन अप करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम न्यू यूज़र को आएगा वो सारे प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा न्यू यूज़र के थ्रू। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ GitHub पे और यहाँ पे जो है क्रिएट एन अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड कोई मैं रख लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ओके, कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे जो अब यूज़र नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम फिल कर लेता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट 10 अनाउंसमेंट बाय ईमेल। अगर यहाँ पे यस करना चाहते हैं तो वाई लिखिए, नो करना चाहते हैं तो एन लिखिए। मैं यस करना चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पे कुछ पजल हमें सॉल्व करना पड़े तो स्टार्ट पजल के ऊपर क्लिक करता हूँ और पिक द स्पायरल गैलेक्सी। ओके, ये स्पायरल है और फिर यहाँ पे फिर स्पायरल और यहाँ पे वेरिफिकेशन जो वो हो गया क्रिएट अकाउंट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो हमें पासवर्ड हमारे ईमेल पे जो पासवर्ड रिसीव होगा तो वो मैं देख लेता हूँ पासवर्ड रिसीव होगा हमारे ईमेल पे। साइन इन अगेन कर लेता हूँ इसको। ये तो हम अपने उसी ईमेल में आ गए, इसमें करता हूँ साइन इन। यहाँ पे हमें जो एक OTP रिसीव्ड होगा GitHub के तरफ से। यहाँ पे GitHub की तरफ से कोड रिसीव हुआ ये वाला, इसको हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा 9241749। ओके, ये जो हमारा वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी टीम मेम्बर्स विल वर्किंग टू। ओके, जस्ट मैं कर लेता हूँ। आर यू स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पे कोई भी एक दो
चेकबॉक्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई फॉर योर गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स, और यहाँ करता हूँ कंटिन्यू फॉर फ्री। तो यहाँ हम लोग अपने गिटहब के अकाउंट में आ गए, और यहाँ पे अभी मैं उस प्रोजेक्ट को पहले अपलोड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी शो हो रहा, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे तो हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है, रिपोजिटरी नेम डाल, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और यहाँ पे आप लोग कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, इसको पब्लिक या प्राइवेट भी कर सकते हो, तो मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। तो हमारा जो यहाँ रिपोजिटरी वो क्रिएट हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिपोजिटरी हमारा एक क्रिएट हुआ। आप लोग चाहे तो इसमें फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है चूज योर फाइल। तो यहाँ पे फ्रेंड गिटहब पे एक प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे एक फाइल केवल अपलोड कर सकते हैं, और अगर हम अपने प्रोजेक्ट में चले तो यहाँ पे देखिए हमारे दो फोल्डर भी हैं, दो फोल्डर एक फाइल है। तो यहाँ पे गिटहब में यहाँ से जो है एक फाइल को केवल हम अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर अपलोड नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। तो देखते हैं पूरे फाइल मतलब पूरे प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करते हैं गिटहब पे, और जिसके अंदर फोल्डर और फाइल दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ से रहने देता हूँ, और यहाँ इसको बंद कर लेता हूँ। और ओके, अभी जो मैं इसको ऑन रहने देता हूँ, और गिटहब का तो अकाउंट हम लोग ने बना लिया, और यहाँ पे आप देखते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम अपना ऑन करेंगे, CMD ऑन करते हैं। ओके, सर्च करते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं CMD, और ये अपना CMD ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया, और अब जो यहाँ पे हम लोग कुछ कोड्स लिखेंगे जिसके मदद से हम लोग जो अपने पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए हम लोग जो है सी ड्राइव में, और हमारा प्रोजेक्ट जो है ई ड्राइव में, तो हमें ई ड्राइव में चलना पड़ेगा, ई कोलन करके एंटर करेंगे तो ई ड्राइव में आके। अगर मैं DIR करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला जो फोल्डर है इसको हम लोग को अपलोड करना है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ करूँगा CD, और इसको ऐसे अपने प्रोजेक्ट का जो नाम लिखूँगा पूरा। ओके, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे ई ड्राइव में, तो सॉरी ये सारे फोल्डर जो हमारे ई ड्राइव में, तो मैं यहाँ पे CD और फोल्डर का नाम लिखूँगा क्योंकि मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है। एंटर करूँगा तो देखिए अभी इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया। अगर DIR करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारे उस फोल्डर जो है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो फोल्डर, उसके अंदर ये सारे फाइल्स और ये देखिए फोल्डर और फाइल्स सब शो हो रहे हैं। ओके, तो मैं अभी रहने देता हूँ, क्लियर कर लिया। और अब जो है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ये कोड्स को आप लोग ध्यान से लिखिएगा, तभी आपका पूरा प्रोजेक्ट जो गिटहब पे अपलोड हो पाएगा। तो यहाँ करूँगा मैं git init। ओके, गिट इनिट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी चलते हैं इस फोल्डर के अंदर। देखिए ये गिट वाला जो फोल्डर है वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, गिट इनिट लिखे तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया ये गिट वाला। और अब जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रेंड, ये कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग अपलोड करते तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इस फोल्डर को करना पड़ता है, फिर कमिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद पुश करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं गिट स्टेटस लिखता हूँ, ओके, तो इस फोल्डर में जो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर था उसमें दो फोल्डर एक फाइल है, अभी ये रेड कलर से शो हो रहा है क्योंकि ये लोग अभी ये तीनों जो अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो इनको हम अपलोड करेंगे या ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो एक एक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं गिट और ऐड लिखते हैं, और ये जो manage.py इसको मैं एक फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइल का नाम, ओके, गिट ऐड manage.py, एंटर करते हैं तो ये ऐड हो गया। अभी हम जो करते हैं गिट स्टेटस करते हैं, तो अभी देखिए ये ग्रीन हो गया हमारा,
दो फोल्डर रेड में और एक ग्रीन हो गया, ये ऐड हो गया, अभी कमिट नहीं हुआ, ऐड हुआ केवल। तो हमें जो ये पूरा जो एक कॉलेज और ये कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम फोल्डर मैनेज फाइल ये सबको अपलोड करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे गिट ऐड और डॉट करेंगे, इस डॉट का मतलब ऑल, ओके। तो सबको हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ गिट ऐड डॉट ऐड, एंटर करते हैं। और अब जो इसकी स्टेटस देखते हैं, ओके स्टेटस देखते ओके, यहाँ पे जो हमारा ये फाइल जो है वो अपलोड होने लगा था, ओके ऐड किया जैसे ही मैंने, तो वो सारे फाइल जो यहाँ ऐड हो रहा, जितने भी फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैं, दिखा देता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जितने भी फाइल हैं वो ऐड हो रहा है, गिट ऐड डॉट किए तो वो सारे प्रोजेक्ट जो वो ऐड हो रहा है यहाँ पे। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगे तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ये प्रोजेक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे फाइल को ऐड कर लिया, अभी जो मैं यहाँ करता हूँ गिट स्टेटस करता हूँ, तो अभी सब जो है हमारे ग्रीन में शो हो रहा होगा, देखिए ग्रीन कलर में शो हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब कि सारे फाइल जो ऐड हो गए, ओके क्लियर कर लेता हूँ इसको। अब जो इनको कमिट करना है, तो इसको हम करेंगे गिट कमिट और स्पेस देंगे थोड़ा और हाइफन एम करके, और यहाँ जो इस डबल कोट में लिखेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट कमिट, ओके। और अब जो मैं इसको एंटर करता हूँ, हम जो अपने सारे फाइल या फोल्डर को जो है अभी सेव कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको पुश करेंगे, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है कमिट करने में, क्योंकि बहुत सारा फाइल और फोल्डर्स है हमारे पास, इस वजह से टाइम लग रहा है इसको, हम लोग वेट कर लेते हैं इसके कमिट होने का। और यहाँ पे जो फ्रेंड कमिट करते टाइम आप लोग को शायद एक एरर सा शो होगा, यूज़र नेम और ईमेल का एक एरर शो होगा, तो वहाँ पे आप लोग को देखिएगा कि यूज़र नेम और ईमेल पूछेगा, तो आप लोग उसी कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए। अगर मुझे शायद अगर वो एरर मिलता तो मैं करके दिखा देता हूँ, या मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये काम पहले कर चुका है, इस वजह से मुझे वो एरर नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ऐसे फाइल या फोल्डर अपलोड कर रहे गिटहब पे, तो आप लोग को प्रॉब्लम वो देखने को मिलेगा, मुझे वो नहीं शो हो रहा, या तो होगा तो मैं स्क्रीन शॉट शो कर दूंगा कि क्या एरर शो होगा। बस सिंपल एक यूज़र नेम और ईमेल वहाँ पे फिल करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ कमिट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारे फाइल और फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गए या कमिट हो गए, ओके। अब इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ CLS करके, क्लियर कर लिया। यहाँ पे अगर यूज़र नेम और ईमेल का एरर आता है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते कैसे सॉल्व होगा वो प्रॉब्लम, ओके। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम शो नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकता आप लोग को। और अब जो है मैं इसको पुश करूँगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा गिट पुश और यहाँ पे स्पेस दे करके हाइफन यू करूँगा और ओरिजिन करूँगा, ओरिजिन और मेन करूँगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या एरर आ गया, फेल टू पुश सम रिवर्स ओरिजिन, ओके। तो अगर ये कोड अगर आप लोग को देखना, तो इस कोड के ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए मैं जो सारे लाइंस लिख रहा था गिट इनिट और ये सब जो लिख रहा था वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो पुश करने से पहले क्या होगा, हम लोग को एक ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा, मेन ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को हम लोग छोड़ दें, इस वजह से शायद ये एरर आ रहा है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ गिट ब्रांच और ऐसे करके एंटर करता हूँ, और अब जो मैं इसको पुश करूँगा ऐसे करके, ओके। पुश करने से पहले ये हमें लिखना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बाद पुश होगा, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, और अब मैं इसको पुश करता हूँ,
तो शायद हो जाना चाहिए, या कोई एरर आएगा हमें। देखिए मैं पुश करता हूँ। ओके, यहाँ पे आ रहा है रिपोजिटरी नॉट फाउंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया HTTP के गेट रिमोट एड ओरिजिन। कमिट कर लिया मेन ब्रांच। ओके, फिर से इसको मैं कॉपी करके अगर पेस्ट करता हूँ, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पुश में हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। पुश करते हैं दोबारा, रिपोजिटरी नॉट फाउंड, पाइथन वर्ल्ड टेक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम गिट HTTP पाइथन वर्ल्ड टेक। ओके, यहाँ पे तो सही है URL, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें? ओके, मैं अगर इस रिपोजिटरी को एक बार मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसमें चलता हूँ और रिपोजिटरी को एक बार डिलीट कर लेता हूँ दोबारा। इस रिपोजिटरी को मैं दोबारा क्रिएट करूँगा, इसके ऊपर चलता हूँ और यहाँ सेटिंग में चलता हूँ और यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट दिस रिपोजिटरी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग को ये टाइप करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ इसको, और क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और क्रिएट करता हूँ इसको। तो अब जो है मैं इसको फिर से दोबारा ऐसे करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब पुश करता हूँ इसको दोबारा, ओके। तो यहाँ पे अब एक नया एरर देखने को मिला, देखिए एक मिनट इसको क्लियर करके दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। पहले रिपोजिटरी नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब यहाँ जो परमिशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी जो पहले जो है हमारे मतलब जो गिटहब का जो रिपोजिटरी है उसमें ये यूज़र नेम है और अभी हम लोग इस यूज़र नेम से लॉग इन है या इस यूज़र नेम पे अपलोड करना चाहते हैं, तो ये परमिशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व, अगर ये परमिशन प्रॉब्लम अगर आप लोग को आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ सर्च में करेंगे। ओके, सॉरी, कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं और यहाँ पे देखिए क्रेडेंशियल मैनेजर है, इसके ऊपर चलते हैं और विंडो क्रेडेंशियल पे चलते हैं और यहाँ देखिए github.com है और यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। या तो आप लोग यहाँ पे यूज़र नेम मतलब ये जो गिटहब का अकाउंट है, ये जो पाइथन वर्ल्ड टेक है, इस यूज़र नेम का यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड, इस गिटहब अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ दे करके सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ, मैं जो क्या करूँगा इसको क्या डिलीट कर देता हूँ, यहाँ देखिए रिमूव का ऑप्शन है तो इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब जो मैं पुश करता हूँ इसको, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें, परमिशन प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको ऑन होने देते। यहाँ पे फिर से अभी देखिए साइन इन मांग रहा है यहाँ पे, तो साइन इन विथ योर ब्राउज़र करते हैं, तो यहाँ ब्राउज़र पे हमें एक लेके चला जाएगा, एक मिनट। ओके, हाँ यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है, तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर से लिखा ऑथराइज क्रेडेंशियल मैनेजर, तो इसको ऑथराइज करते हैं, ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया। ओके, तो यहाँ देखिए अभी प्लीज कंप्लीट हो रहा है हमारा फाइल जो वो अपलोड हो रहा है। बस इतना ही हमें कोड्स लिखने पड़ेंगे पूरे फोल्डर को अपलोड करने के लिए गिटहब पे। ओके, यहाँ पे ब्रांच जो क्रिएट हो गया और अब चलते हैं देखते हैं कि हमारा अपलोड हुआ है कि नहीं। इसको कट कर लेता हूँ मैं और अब जो मैं यहाँ चलता हूँ और रिपोजिटरी पे चलता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारा एक रिपोजिटरी है और इसके अंदर देखिए ये फाइल और फोल्डर जो अपलोड हो गया, जो यहाँ पे था
दो फोल्डर हमारे पास और एक फाइल था, वो यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया फोल्डर में। तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे गिटहब पे फोल्डर को अपलोड करते हैं या कोई प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं। ओके, और अब जो ये गिटहब पे हम लोग ने अपलोड कर लिया, इसके हेल्प से अब जो pythonanywhere.com है उसके ऊपर हम लोग इसका क्लोनिंग करेंगे, फिर इस प्रोजेक्ट को हम वहाँ पे ले जाएंगे। तो देखते हैं pythonanywhere.com पे कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।